हेलो गाइस, वेलकम टू लॉकडाउन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम किरण। सो टुडे इज द टॉपिक ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट टॉपिक अपना सीगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिदे विच आपा पढ़िया सी कि कंप्यूटर की शुरुआत किस डिवाइस तो हुई सी, कैलकुलेशन डिवाइस तो हुई सी। जिहड़ियां छोटी छोटी कैलकुलेशन डिवाइस दे विच इंप्रूवमेंट करन तो बाद अपने को कंप्यूटर बने, ते उस तो बाद कुछ जनरेशन जिहड़ियां आ बनाईयां गईयां, जिन्हां दे विच जिहड़ा आ सेम जिहड़ी टैक्नोलॉजी यूज़ करके वह कंप्यूटर चलदे सी जां बनाए गए सी। सो इहदे बेस दे उत्ते अपने को पंज कैटेगरीज आ। फस्ट देख लैंदे आ, इस दा पीरियड टाइम 1946 तो 57 सी, ते इहदे विच वैक्यूम ट्यूब्स जिहड़ियां यूज़ कीतियां जांदियां सीगियां, ते इहदियां एग्जाम्पल हैगियां नाइक, एडवैक, यूनीवैक, IBM 701, IBM 650, जिहड़ियां इह यूज़ कीतियां जांदियां सी, मतलब इह कंप्यूटर सीगे। फिर उस तो बाद फिजिकल मैथड किहड़े यूज़ कीते जांदे सी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लई, पंच कार्ड, पेपर टैप्स, मैगनैटिक टेप्स यूज़ कीतियां जांदियां सीगियां इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दे लई। हुण अपने को हैगी सैकेंड जनरेशन कंप्यूटर दी, 1957 तो लैके 65 तक वह ईयर टाइम से, तो उहदे विच ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते, वैक्यूम ट्यूब्स नहीं यूज़ किए जाते। ये जिहड़े कंप्यूटर बने उन्होंने नाम से IBM 1620, IBM 7094 एंड CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनीवैक 1108। ये कंप्यूटर से जिहड़े इहदे विच इस जनरेशन च आए सी। ते इहदे विच आपां फिजिकल मैथड, मैगनैटिक टेप, मैगनैटिक कोर, मैगनैटिक डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब डिवाइसिज जिहड़ियां आ गईयां सीगियां इहनां नूं स्टोर करन दे लई डेटा। नैक्सट अपने को थर्ड अपने को जिहड़ी जनरेशन आ उह हैगी सी 1965 तो 72 दे विच, इंटीग्रेटेड सर्किट्स उहदे विच यूज़ कीते गए, तो उहदी एग्जाम्पल हैगी IBM 360, हनीवैल 6000, PDP, IBM 370, 168 एंड इहदे विच कंप्यूटर दीआं लैंग्वेजेस यूज़ कीतियां जिन्हां दे नाम सी कोबोल, फोरट्रेन, एलगोल 68 एंड बेसिक। फिर उस तो बाद अपने को आई फोर्थ जनरेशन, जिहदा पीरियड टाइम सी 72 तो लैके 85 तक, तो इहदे विच VLSI मतलब वैरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जिहड़े इहदे विच यूज़ कीते गए, तो इहदे विच जिहड़ा इंटरनेट दी जिहड़ी टैक्नोलॉजी आई, डिस्ट्रीब्यूटेड नैटवर्किंग होनी शुरू हो गई, C++, C वर्गियां लैंग्वेजेस आईयां, STAR 1000 जिहड़ा कंप्यूटर आया, GUI इहदे विच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, तो लैंग्वेजेस जिहड़ियां आईयां C++, C अपने को C++DBase, ये सारिया आई डेटाबेस नू स्टोर करन दे ले। से नैक्सट अपने को हैगी आ फिफ्थ जनरेशन, ए 85 तो लैके हुण तक चलती आ रही है, ये USLSI जां फिर इन्हां दा जिहड़ा प्राइस सीगा ओह घट आ, ये रोबोटिक डिस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, गेमिंग सिस्टम, ये सारे तरह के ये जिहड़ियां टैक्नोलॉजीज आईयां इहदियां एग्जाम्पल्स ने। ठीक है, ये अपने को जावा, C++, .NET वर्गियां, पाइथन वर्गियां लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिहड़ियां यूज़ कीतियां जा रही आ, जिन्हां दे नाल अपना काम होर भी आसान हो गया। तो हुण ये जनरेशन ऑफ ईयर का जिहड़ा टाइम पीरियड आ, ये हरेक का अलग अलग जिहड़ा थानू इंटरनेट दे उत्ते मिल जाएगा, बट जिहड़ा एसटीमेट टाइम आ वह ये हैगा आ कि 85 तो बाद ही जिहड़े अपने कोल अपने जिहड़ी फिफ्थ जनरेशन जिहड़ी हुण तक चल रही आ। तुसी इसका स्क्रीनशॉट लैके रख सकते हो ताकि थानू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर याद करन च आसानी रहे, ते कॉम्पिटेटिव एग्जाम होवे चाहे तुहाडा कोई भी कोर्स का एग्जाम होवे तुसी क्लीयर कर सकते हो आसानी नाल। हुण फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनवेंट किन्हां ने कीते सी, JP एक्वर्ड एंड JW मोंची ने किए थे, बहुत अनरिलायबल सी, मशीन लैंगुएज नू सपोर्ट करते, वैरी कॉस्टली होंगे सीगे, बहुत महंगे सी, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ये बहुत स्लो होंगे सी, ये साइज़ बहुत बड़ा सी, AC की लोड पैंदी सी, तो इलैक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते, नॉन पोर्टेबल सी, ये उसकी पिक्चर देख सकते हो कि इस तरह के कंप्यूटर होंगे सी, तो बुरे कमरे के आ जाते, फर्स्ट जनरेशन के अपने को कंप्यूटर आए थे, ये मैं एक एग्जाम्पल जी ली हुई आ। नैक्सट सैकेंड जनरेशन अपन 57 तो 65 पीरियड के आई सी, तो ये की सी ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए जो आप पहला भी पढ़िया, तो रिलायबल सी, फस्ट कंप्यूटर नालों रिलायबल सी, तो स्मॉल थोड़ा जिहा साइज़ इन्हों का छोटा हो गया सी, तो ये हीट भी जिहड़े फस्ट कंप्यूटर नालों घट प्रोड्यूस करते, इलैक्ट्रिसिटी भी घट कंज्यूम करते फस्ट कंप्यूटर नालों, एंड फास्टर सी फस्ट कंप्यूटर नालों, एंड वैरी हजे भी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली सी, तो AC ये भी जरूरत पैंती सी। ये तुसी देख सकते हो यदि पिक्चर कि इस तरह के हो गए सी, देखो वो जिहड़ा पिछला आपां फस्ट कंप्यू जनरेशन का कंप्यूटर देखा वो पूरे रूम के बट ये थोड़े छोटे हो गए सीगे।
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICV ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੈਕ ਕਿਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੀਟ ਵੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਾਸਟ ਸੀਗੇ, ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ AC ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਸਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 72 to 85 ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BLSI ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯੂਜ਼ ਆਫ PCs ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PCs ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, AC ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਜ ਇੰਟਰਡਿਊਸ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। USI ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਪੈਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਦ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਫੀਚਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3D 2D ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵੈਬ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਕੰਪੈਕਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਟ ਚੀਪਰ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਬਟਨ ਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।